हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व केवीएस टीजीटी 2018 क्वेश्चन पेपर एंड वी टुडे वी विल सी अबाउट द जनरल इंग्लिश सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन इज गिवन दैट कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? आई डू नॉट बोदर मच अबाउट मनी, आई फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट इट ऑल माई लाइफ। स्टूडेंट इधर हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि आई डू नॉट बोदर, इसका मतलब क्या बनता है कि मैं पैसे के बारे में चिंता नहीं करता हूँ। आई अबाउट इट ऑल माई लाइफ, तो इसमें कौन सी वर्ब आई? तो यहाँ पे डू नॉट है तो इसमें आएगी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में देखेंगे विल एवर, नहीं हैव, नहीं डोंट बोदर, ये अबाउट इट ऑल माई लाइफ जो अभी तक उसकी लाइफ है उसके बारे में जिक्र कर रहा है, तो डोंट यूज नहीं होगा। एंड बोदर तो वैसे भी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे होगा हैव नेवर बोदर्ड। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, हैव नेवर बोदर्ड अबाउट इट इन माई लाइफ। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो? चूज द एक्सप्रेशन डेट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड हुडलम। तो यहाँ पे हमें हुडलम वर्ड का जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ऑप्शन में से वो बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुडलम क्या है, कि हुडलम मीन्स अ पर्सन हु इंगेजेस इन क्राइम एंड वायलेंस, आल्सो नोन एज ए हुलिगन। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में क्राइम एंड वायलेंस के बारे में बताया गया। ऑप्शन फर्स्ट, ए स्टूडेंट हु हूट्स एंड शाउट, नो। ए नेबर हु इज रेदर नोजी, बिल्कुल नहीं। थर्ड है वायलेंट क्रिमिनल। देन फोर्थ ऑप्शन इज ए वे साइड हॉकर, यानी कि जो साइड में जो सब्जी वगैरह बेचते हैं उनके बारे में कहा गया फोर्थ। तो इसमें देखेंगे कि वायलेंट किस में है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज, तो जो अंडरलाइन फ्रेज है उसे ठीक करना है। तो इफ नेसेसरी विद द गिवन ऑप्शंस, तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए। तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, यू विल नॉट नो द ट्रूथ। अब देखिए कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हैड नॉट है, यानी कि पास्ट की बात की गई है। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो यू विल नॉट नो, तो यू विल नहीं आएगा यहाँ पे, यू वुड आएगा। तो यू वुड किस में आया? यू वुड नॉट हैव नोन द ट्रूथ, या फिर यू कैन नॉट नो द ट्रूथ। थर्ड, यू हैव नॉट नोन, यू हैव नोन नॉट द ट्रूथ। ऑप्शन फोर्थ, यू वुड नॉट बी नोइंग द ट्रूथ। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बताया नहीं होता तो यू विल नॉट नो द ट्रूथ, तो तुम्हें सच्चाई के बारे में पता भी नहीं चलता। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, यू वुड नॉट हैव नोन द ट्रूथ, क्योंकि वुड नॉट है और फिर उसके साथ हैव एंड थर्ड फॉर्म। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ में क्या पूछा गया कि आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस डेट मे बी एरेनियस, मतलब कि इनमें से कौन सा अंडरलाइंड वर्ड है जिसमें कि कुछ मिस्टेक है। तो पढ़ते हैं, द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप फॉर द एलडीसीज एंड यूडीसीज। तो यहाँ पे देखेंगे द ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, टेक्स ए फॉर्म ऑफ, फिर अगली लाइन क्या है, ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप, एक सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ए वाली प्रीपोजिशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगी है। लेकिन टेक्स ए फॉर्म ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, टेक द फॉर्म ऑफ आएगा यहाँ पे, जो प्रीपोजिशन आएगी वो एक ही जगह द आएगी, तो ये वाला जो पार्ट है वो गलत है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें हमें जो आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे देखते हैं, जॉर्ज वॉज लेड टू अ रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। तो अंडरलाइन फ्रेज कौन सा है? लेड टू अ रेस्ट। तो लेड टू अ रेस्ट का क्या होता है कि लेड टू के बाद ए नहीं लगाते हैं, तो जो फ्रेज है वो होता है लेड टू रेस्ट। तो जो ऑप्शन फोर्थ है उसमें लेड टू रेस्ट दिया गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन लेड टू रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड फॉलिबल। तो जो फॉलिबल वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि फॉलिबल मीन्स ए पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बींग रॉन्ग। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही देखेंगे, एप टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग, तो ये ही इसका सही जवाब है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टूडे। तो जिम केम यस्टरडे, जिम कल आया था, आई डू नॉट नो, तो डू नॉट से क्या हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। आई डू नॉट नो वेदर ही आएगा कि नहीं आएगा, ये फ्यूचर पे जाएगा पर फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस रहेगा, तो क्या रहेगा, ही विल बी कमिंग। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट ऑप्शन है। तो पूरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, जिम केम यस्टरडे,
आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टूडे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का जो मतलब है वो बताना है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, ए नंबर ऑफ द टेनेंट्स हैव बीन एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। तो बहुत से किराएदार रेंट ना पे करने की वजह से निकाल दिए गए हैं। एविक्टेड मतलब निकाल देना, जिसमें क्या है, थ्रोन आउट, बिल्कुल पार्डन माफ करना होता है, नहीं सी थर्ड एक्सक्यूज ये भी माफ करना होता है, फॉर सेंट ऑफ बाहर भेज दिए गए। बाहर भेजने का कि वो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या एविक्टेड कि उन्हें निकाल दिया गया है। तो इसका जो सही वर्ड बनेगा, जो एक्सप्रेशन है, वो ऑप्शन ए है, थ्रोन आउट। थ्रोन आउट इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट, इसमें क्या अपोजिट बताना है इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अच्छा, गिवन वर्ड क्या है, डस्की। डस्की का मतलब क्या होता है, डार्क। तो डार्क का अपोजिट क्या होता है, डार्क का अपोजिट होता है ब्राइट। तो क्या है ऑप्शन नंबर 4, ब्राइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग इडियम। तो इसमें मुहावरे के बारे में इसका मतलब बताना है। तो क्या है इडियम, वो हम पढ़ लेते हैं, बी बाउंड अप विद। तो बी बाउंड अप विद का मतलब क्या होता है कि आप बहुत बिजी होना किसी भी चीज में। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बी अनइन्वॉल्व, अनइन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्वमेंट आती है तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि बहुत ही बिजी और पहले से किसी काम है, तो बी बाउंड अप विद। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन।